नमस्कार, SP9 न्यूज में आपका स्वागत है। राजनीतिक पार्टियों में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में देखा जाए तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात करें और वहीं केंद्र सरकार NDA की बात करें तो दोनों में यहां पर बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा जा रहा है। तब इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने एक बड़ा जवाब यहाँ पर केंद्र सरकार को दिया है। आपको बता दें कि विपक्ष ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया। इस गठबंधन को लेकर BJP की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। BJP ने गठबंधन को इंडिया अलायंस के बजाय घमंडी अलायंस बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी विपक्ष को घमंडी अलायंस कहा है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसके जवाब में कहा है कि अहंकारी लोग खुद सत्ता में बैठे हुए हैं और यहाँ पर दूसरों को घमंडी कह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में इन दिनों BJP की परिवर्तन यात्रा चल रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान के दूदू में इस यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के बनाए नए गठबंधन को लेकर बात कही। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने इसे इंडिया अलायंस कहा है लेकिन ये इंडिया अलायंस नहीं है। आपको बता दें कि ये एक घमंडी अलायंस है। सीधे तौर पर उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं यहाँ पर शशि थरूर ने जवाब में ये कहा कि जो लोग खुद अहंकारी होते हैं वो सत्ता में बैठे रहते हैं और यहाँ पर सत्ता की लालच में दूसरों पर निशाना साधते रहते हैं। हम रोज यही तो देख रहे हैं। मुझे साफ तौर पर लगता है कि हमने गठबंधन को जो नाम दिया है उससे उन्हें परेशानी हो रही है, इसलिए यहाँ पर भारत को यहाँ पर इंडिया कहने पर भी उन्हें आपत्ति हो रही है, इसलिए उनका नाम भी चेंज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भारत को इंडिया से संबोधित नहीं किया जाएगा, भारत को भारत ही कहा जाएगा। तमाम तरीके से आप ये देखेंगे कि जब यहाँ पर G20 हुआ था उस दौरान भी जब प्रधानमंत्री बैठे हुए थे तो उनके आगे जो एक लगा रहता है वहाँ पर पोस्टर सा, उस पर भी भारत लिखा हुआ था और ऐसे में देखा जाए तमाम लोग यहाँ पर भारत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया के बजाय। तो ये लड़ाई यहाँ पर अब इंडिया वर्सेस NDA में देखने को मिल रही है। लेकिन 2024 में कौन जीतता है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।